नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजल नारायण। योगी आदित्यनाथ आज हापुड़ पहुंचे हैं, जहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जिले को 810 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जिले में करीब 2.25 घंटे रहकर पहले जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे, साथ ही बेबी केयर यूनिट का उद्घाटन किया। इसके बाद अस्पताल के पास स्थित एक मैदान में जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर दिन भर अधिकारी दौड़ते रहे। जनसभा में करीब 20,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही थी और भारी भरकम भीड़ देखी जा सकती है। तो आज योगी आदित्यनाथ का हापुड़ दौरा, तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, उससे पहले एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जिले के 810 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। करीब 2.25 घंटे हापुड़ में ही व्यतीत करेंगे। अस्पताल का निरीक्षण किया, बेबी केयर यूनिट का उद्घाटन किया। इसके बाद अस्पताल के पास स्थित मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियाँ पहले से ही पूरी कर ली गई थी। अधिकारी लगातार जायजा ले रहे थे। जनसभा में करीब 20,000 से ज़्यादा लोगों कि पहुंचने की उम्मीद जो जताई जा रही थी वो कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रही है। तो हापुड़ को खास सौगात आज योगी आदित्यनाथ ने दी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले को 810 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं और ये हापुड़ के लिए वाकई बड़ा दिन है। करीब 2 घंटे यहीं पर योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, बेबी केयर यूनिट का उद्घाटन किया। इसके बाद अस्पताल के पास मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो कार्यक्रम को लेकर तैयारियाँ पहले से ही बखूबी कर ली गई थी और आज भी इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं। वहीं चंदौली के शहाबगंज ब्लॉक कार्यालय में ब्लॉक कर्मियों का शराब पीने का वीडियो वायरल होने पर जिलाधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए 2 सफाई कर्मियों को निलंबित कर दिया। साथ ही एसडीओ पंचायत को चेतावनी पत्र जारी किया है। डीएम की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर इस आशय का वीडियो कल प्रसारित किया गया कि कुछ कर्मचारियों के द्वारा शहाबगंज ब्लॉक में कार्यालय में बैठकर शराब का सेवन किया जा रहा है, जिसकी जांच खंड विकास अधिकारी से कराई गई। जांच में ये विदित हुआ कि 2 सफाई कर्मी लाल बिहारी और विजय कुमार के द्वारा यह कृत्य किया गया है। दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही एडीओ पंचायत जो उस कार्यालय के प्रभारी थे उनको नोटिस देते हुए वेतन अवरुद्ध किया गया है। तो जाँच उपरांत उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सरकारी सेवक उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक स्वास्थ्य सुविधा को लेकर और उसको बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और अलग अलग जनपदों का दौरा कर रहे हैं और बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे अस्पताल और क्लिनिक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का फरमान भी स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार अधिकारियों को दे रहे हैं। लेकिन इस फरमान का असर सोनभद्र जिले के स्वास्थ्य महकमे में दिखाई नहीं देता। सोनभद्र स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। जिले के हालत ये हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल यहाँ और क्लिनिक धड़ल्ले से चल रहे हैं, अवैध तरीके से चल रहे अस्पताल में इलाज के दौरान कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं नोडल अधिकारी ने कहा है कि अब तक 3 अस्पताल संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है और कई संचालकों को नोटिस दिया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जनपद में अवैध हॉस्पिटल चलाने की अनुमति किसी को नहीं है और अभी रजिस्ट्रेशन जो हुए हमारे उनके अलावा जितने भी हॉस्पिटल अगर चलते हैं तो वो उनको जो है अवैध माना जाएगा। ये संदेश हमने पहले कई बार दिया है। अब जैसे जैसे हम लोग फील्ड में निकल रहे हैं, इस तरह के हॉस्पिटल मिल रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो है हम लोग कर रहे हैं। पहले
राजस्थान के कोटा बैराज से छोड़े गए पानी से चंबल नदी में बाढ़ का खतरा बरकरार है। वहीं पिनहार घाट पर धीरे धीरे चंबल का जलस्तर घटने लगा है। तटवर्ती इलाकों के गांवों के लिए राहत भरी खबर है। साथ ही एनडीआरएफ और पुलिस बाढ़ क्षेत्र के गांवों से लोगों को निकालने का काम कर रही है। चंबल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भाजपा के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, पर्यटन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह चंबल के जलस्तर का जायजा लेने के लिए पहुंचे, जिसको लेकर प्रशासनिक अमला तैनात रहा। जिला प्रशासन ने अच्छा इंतजाम किया हुआ है। ये बाढ़ जो है अपने कोटा के जो डैम है उससे पानी छोड़ देने के कारण जो है ये यहाँ बाढ़ आई हुई है, और ये अक्सर ऐसा होता है। अब हम लोग लखनऊ पहुँच करके माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी रिपोर्ट दिया जाएगा कि कोटा के जो डैम है वहाँ पर वो स्टेप बाय स्टेप पानी को छोड़ें तो हमारी बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, राजस्थान की कोटा बैराज से जो पानी छोड़ा गया है इसके कारण उत्तर प्रदेश के हिस्से में भी बाढ़ आई हुई है। जिला प्रशासन पूरी तन्मयता से लग करके जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी मदद कर रहा है। जिनको उनके गांव से हटाना है उनको हटा करके कैंप पे ले जा रहा है और उनको राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसी चीज़ का स्थलीय शामली में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसके पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस बरामद किया। पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीती 8 अगस्त को बाबरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अज्ञात चोरों ने किसान की ट्यूबवेल पर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके संबंध में पुलिस ने पीड़ित किसान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की थी। ललितपुर में श्रम सेवायोजन मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी के बेटे की गुंडई का मामला सामने आया है। मन्नू कोरी के बेटे ने ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। आपको बता दें कि मंत्री का बेटा शराब के नशे में धुत था। पूरा विवाद बालू से भरे ट्रक निकलवाने को लेकर हुआ। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मैनपुरी के नगलातार में युवक की पीट पीट कर हत्या के मामले में कार्रवाई न होने के चलते ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया, जिससे सुबह लगभग 1.5 घंटे तक जीटी रोड पर जाम लगा रहा। मौके पर मैनपुरी एसपी विजयपाल सिंह कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। पुलिस ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, जिसको लेकर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। के परिजन जो है यहाँ पर आक्रोशित थे और ये इनको समझाया बुझाया गया और ये शांति चले गए। गिरफ्तारी और साथ संकलन करके प्रभावी ढंग से इसमें कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? ठीक है, इसमें अभियोग पंजीकृत करने के बाद में जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और उसमें हिरासत में भी हैं। और जो शेष मथुरा के शारदापुरम कॉलोनी में पीड़ित महिला आशा अपने पड़ोसी से कई दिनों से परेशान है। वो आए दिन लड़ाई झगड़ा करता रहता है। इसी बात की शिकायत करने के लिए अपने नजदीकी थाने पहुंची तो पुलिस वालों ने समझा बुझाकर उसे घर भेज दिया। जब महिला ज्यादा परेशान हुई तो महिला वरिष्ठ कोषाध्यक्ष के कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई है। महिला पुलिस का कहना है कि मेरा पड़ोसी मुझे अपशब्द कहता है। जब पीड़िता महिला अपनी नजदीकी थाने हवाई पहुंची तो पुलिस वालों ने समझा बुझाकर उसे घर भेज दिया और कहा कि आप रिपोर्ट दर्ज ना करें। फरुखाबाद के जहानागंज में बीजेपी सांसद के भतीजे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी सांसद ने महिलाओं के साथ मारपीट की। मामला खनन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों का है, जिसमें सांसद के भतीजे पहुंचे। वीडियो में बीजेपी सांसद भतीजे ने महिलाओं पर पिस्टल तान रखी है। मौके पर मौजूदा पुलिसकर्मी ने बीजेपी सांसद के भतीजे की पिस्टल छीन ली। मामले को लेकर एसपी समेत अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। घटना के कई घंटों बाद भी अधिकारियों का कोई जवाब नहीं है। मैनपुरी के ग्राम सिरपुरा में महिला की शादी 2 साल पहले हुई थी, जहां पर 2 महीने पहले
महिला को बीटा हुआ, जिसके बाद महिला का इलाज आगरा के एफएक्स अस्पताल में चल रहा था, जहां पर इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। तो वही मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन को उसके ससुराल वालों ने जहर देकर मार दिया है और बिना बताए अंतिम संस्कार की कोशिश की जा रही है। जिसकी सूचना मिली वो मौके पर पहुंचा, तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक विजयपाल सिंह के साथ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है, घटना का संज्ञान लिया है, मृतका के शव को चिता से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सर, कुरावली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई थी कि मेरी बहन को मार दिया गया है, क्या पूरा मामला है सर? कुरावली में शिवपुरा गांव में रामू शाक्य की पत्नी की डेथ हुई, जिनकी शादी में हुई थी वहां पे, उनका मायका है बिछवा थाना अंतर्गत। कल जब शमशान घाट ले जाया गया तो इनमें मायके वालों ने सूचना दिया कि इनको जहर देके मारा गया है। इस संबंध में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। ज्ञात हुआ है कि दोनों पक्ष अब आपस में समझौता भी कर लिए हैं, कोई तहरीर नहीं प्राप्त हुआ है। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई। बिजनौर में एसपी दिनेश सिंह ने पुलिस बल को साथ लेकर पैदल गश्त किया। इस दौरान एसपी ने अन्य मुन्ने बच्चों के साथ खुशी के पल बिताए और उनको चॉकलेट बिस्किट भी दिलाए। वहीं पैदल गश्त के दौरान एसपी ने व्यापारियों से भी वार्ता की और हालचाल जाना। साथ ही एसपी द्वारा रेड़ी फल ठेला लगाने वालों से भी बातचीत कर उनका हालचाल जाना। फ्लैग मार्च भी किया है, थाने का निरीक्षण भी किया है सर, क्या पूरा मामला है? जाजपुर तो मैं अपने हर कस्बे में जाता रहता हूँ और मैं यहाँ संशोधन कर दूँ कि फ्लैग मार्च नहीं, ये फुट पेट्रोलिंग है। फ्लैग मार्च का उद्देश्य होता है कि अपराधियों के हृदय में, असामाजिक तत्वों के हृदय में भय पैदा करना, और फुल पेट्रोलिंग का उद्देश्य होता है आम जनता के हृदय में विश्वास पैदा करना। हम चाहते हैं कि पुलिस और जनता के बीच की दूरी घटे, इसी उद्देश्य से फुट पेट्रोलिंग करते हैं। और आज मैंने कस्बा चांदपुर फुट पेट्रोलिंग की है और व्यापारियों से, रेड़ी वालों से और तमाम आम जिम्मेदार नागरिकों से मेरी मुलाकात की और एक अच्छा, मैं कह सकता हूँ, अनुभव रहा चांदपुर में फुट पेट्रोलिंग करने का। हर बार अच्छा रहता है, इस बार और अच्छा रहा। थैंक यू। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। मंत्री बोर्ड से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के भ्रमण पर निकले, साथ ही बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने जिलाधिकारी को बाढ़ पीड़ितों की मदद करने और खराब फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने के निर्देश भी दिए हैं। ऐसे निर्देश हम लोगों ने दिया है अधिकारियों को कि कहीं कोई प्रभावित परिवार है जहाँ खाना आज की दिक्कत है, वो भी उनको उपलब्ध कराया जाए। राशन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और भी जो सुविधाएं दी जा सकती है वो दी जाएंगी। कोई भी व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित नहीं रहेगा, सबकी मदद सरकार करेगी, उनके साथ सरकार खड़ी है। सर, आपके द्वारा अभी कुछ राशन सामग्री ले जा रही है, क्या है, क्या क्या पहुंचाया जा रहा है? अभी हम लोग गांव तरफ जा रहे हैं, लोगों से मिलेंगे और जहां जो आवश्यकताएं होंगी उनकी पूर्ति की जाएगी। बाढ़ से कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं रहेगा, सरकार उनके साथ है। सारी हमारी मशीनरी, जिलाधिकारी, SDM, तहसीलदार, सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों पर लगे हैं और सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित न रहे। और डेंगू मलेरिया को लेकर अलीगढ़ शहर में संवेदनशील क्षेत्रों की हालत जस की तस है। डेंगू के अब तक 4 केस की पुष्टि हो चुकी है। मलेरिया का मच्छर भी डंक मारने को तैयार है, मगर शहर में गंदगी, जलभराव की हालत देखकर यही कहा जा सकता है कि डेंगू मलेरिया रोकने को कोई इंतजाम नहीं है। सबसे ज्यादा बुरे हालात इन इलाकों में हैं जिनमें स्वास्थ्य विभाग की सूची में संवेदनशील घोषित कर रखा है। अलीगढ़ शहर के बाईपास पर देवी नंगला हो या सेंटर पॉइंट, SBI का तिहारा, सब जगह गंदगी का अंबार लगा है। देखिए, अभी तक जो डेंगू के केस हैं वो 9 केस कंफर्म हो चुके हैं। यदि मैं आज की भी बात करूं तो आज हमारे जो हैं वो 5 केस मिले हैं, और जब भी हमें इस तरह की जानकारी मिलती है तो त्वरित गति से जो भी निरोधात्मक कार्रवाई है वे संज्ञान ली जाती हैं। जैसे कि मैं आज को बताना चाहूँगा, मैं खुद भी जो है हमारी जो घंटर चौक वाली PSC है, जो हमारी भुजपुरा वाली PSC है, जहाँ पे इस तरह के पॉजिटिव रोगियों की जानकारी मिली थी, वहाँ पहुंचकर उसके आसपास के 50 घरों में ये जो आपके बुखार से पीड़ित रोगी हैं उनकी सघन खोज की जाती है। मेरा एक अनुरोध तुम्हें जरा
और अब मैं एटीएम लगा रहा हूँ सर, इतनी देर में उधर इधर घुमाए वो इतनी देर मेरा एटीएम चेंज करा, और मेरी टकरा जो खराब था वो खराब हो गया, उसका मशीन डाला खराब वाला बंद हो गया, टकरा भागा मैं भी चोर 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 मारते भागा हूँ, गाड़ी में हाथ मारा दिल्ली नंबर गाड़ी है। तो पुलिस को अवगत कराया इसमें? अभी कुछ ही कहा था, मैं यहाँ पे आम डायरेक्ट सीधे यहीं पर बैंक में आया हूँ। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी आकाश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? तस्वीरों को देखकर तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफाई के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिले में जो है डेंगू की जो प्रकोप है वो काफी बढ़ता जा रहा है। डेंगू और मलेरिया को रोकथाम के लिए हालांकि स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिस तरीके से पूरे शहर भर में जगह जगह पर जो है गंदगी का अंबार मिल रहा है, जहां पर आबादी वाला जो क्षेत्र है खासकर की वहां की कोई साफ सफाई व्यवस्था नहीं की जा रही है, ना पर वहां पर कोई जो है स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच रही है, ना उनकी चेकिंग की जा रही है। हालांकि जब इस संबंध में सीएमओ जो स्वास्थ्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है उनसे जो बात करने की आई तो उन्होंने अवगत कराते हुए ये बताया कि जैसा कि अब तक जो 9 केस उनको जो है मिल चुके हैं मलेरिया के, और बाकी की जो उसके आसपास के जो घर हैं उन्होंने सैंपलिंग की जा रही है, और हालांकि जो बुखार से पीड़ित रोगी हैं उनका भी चेकअप किया जा रहा है। लेकिन जहां तक जो मौजूदा हालात जो लोगों से बात, मलेरिया के मामले सामने आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अब तक अलीगढ़ में जो है 9 केस सामने आ चुके हैं, और उसके आसपास जो घर हैं उन पर सैंपलिंग भी की जा रही है। उसके बावजूद भी जहां पर जो साफ सफाई व्यवस्था है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, गंदगी का काफी अंबार है, यहां पर मच्छर जो है काफी रहते हैं, जिसके कारण जो लोग हैं उनमें अक्सर देखा जाता है कि किसी में जो है बुखार से तत्काल पीड़ित रहते ही हैं। जी शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अलीगढ़ की तस्वीरें, और जिस तरह से यहां पर डेंगू और मलेरिया के मच्छर पनप रहे हैं उससे ये जरूर कहा जा सकता है आने वाले समय में मामले भी ज्यादा हो सकते हैं। सहारनपुर के धौलाकुआं के पास से नायाब तहसीलदार अनिल कुमार और सीओ मुनीश चंद ने अवैध खनिज से भरे 4 वाहनों को पकड़ा है, जबकि उनके चालक मौके से फरार हो गए। टीम ने पकड़े गए वाहनों को पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने वाहनों को सीज करने के साथ ही संबंधित विभाग को रिपोर्ट भी भेज दी है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।